जो आपत्ति जताई जा रही है आदि पुरुष के किरदार को लेकर, जैसे सैफ अली खान हैं, उन्होंने रावणा का किरदार निभाया है, उसमें कह रहे हैं कि त्रिपुण नहीं है, जो हनुमान हैं उनके वस्त्र पे टिप्पणी दी जा रही है कि ये इस्लामिक है, हिंदू नहीं है, पर ये तो सिर्फ 10 सेकंड की क्लिप है ना पाठक साहब। अब कवि की कल्पना भी तो कुछ होती है, जो डायरेक्टर है उन्होंने अपने तौर से ये नई, उसमें नया अवतार है जो दिखाया गया है रामायण का। दरअसल संत समाज ने जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं, कि जिस ढंग से वेशभूषा का इस्तेमाल किया गया है, जिस परिदृश्य में दिखाया गया है हमारे महापुरुषों को, हमारे आराध्य देव को, इसको उचित नहीं मानता संत समाज। और संत समाज की मांग एकदम जायज है, किसी को भी किसी धार्मिक भावनाओं को छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। पर पाठक साहब, जो संत समाज की जो मांग है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, वो मांग तो जो हमने जो आजकल में जो पिक्चर्स हैं जो देखा है उसके ऊपर हमने बनाया है ना। अगर वाल्मीकि जी की रामायण पे जाएं, उसमें मैं पूरा पढ़ रही थी कि उन्होंने रावण का कैसे रूप विचरित किया था, कैसे लिखा था रावण का रूप। कहीं पर नहीं लिखा है कि रावण ऐसे लगते हैं कि उनकी मूछ है, उनके ऊपर एक मुकुट है, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, या उनकी त्रिपुण है, या एक टीका है, कहीं नहीं लिखा था। जो इसमें आपने बोला जो लेदर के कपड़े पहनाए गए हैं हनुमान को, अब जो इसके फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि लेदर के कपड़े हैं। अब वो स्क्रीनशॉट भी सिर्फ 10 सेकंड का है, हम कैसे मान लें कि लेदर के कपड़े हैं? पहले फिल्म तो आने दीजिए सर। आप मेरी बात को समझिए। हम पूरे फिल्म के विषय वस्तु पर प्रश्नवाचक चिन्ह संत समाज ने नहीं लगाया है। संत समाज का ये कहना है कि जिस ढंग से रावण को इस तरीके की वेशभूषा में दिखाया गया, जैसे वो कोई अलाउद्दीन की तरह उसकी वेशभूषा है, और जो हनुमान जी है उनको लेदर कॉस्ट्यूम में दिखाया गया, इस बात पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं। फिल्म की विषय वस्तु पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। मेरा सीधा सीधा अनुरोध सभी से है, किसी को भी किसी भी धर्म के भावनाओं से खिलवाड़ करने की इजाज़त हमारे पास नहीं है। हम सब लोग सबके भावनाओं का इज्जत करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन किसी को भी धर्म को ठेस पहुंचे इसको उचित नहीं मानते।